अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके रिस्क आपके खानों में बरकत डाले। आज हम बना रहे हैं ब्रेड रोल्स, बहुत ही मज़े की, बहुत ही इजी सी रेसिपी। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पाव हमने लिया है चिकन का कीमा, मीडियम साइज़ का एक हमने लिया प्याज, थोड़ी सी हमने लिया बंद गोभी, 5 से 6 टेबलस्पून हमने लिया ऑयल, और ये 8 पीस तकरीबन हमने लिया सैंडविच ब्रेड, और ये हमने लिए ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी जो है मैंने पहले डाल चुकी हूँ और ये बहुत ही आसानी से घर में बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये 1 टेबल स्पून के जितनी हमने लिए हैं ब्लैक पेपर, और 2 हमने लिए अंडे, उनको हम फेंट लेंगे। जी रेसिपी बनाना करते हैं हम स्टार्ट। एक हमने लिया पैन, इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल, इसको हम गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया, हम इसके ऊपर डालें प्याज। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, लाइट पिंक सा हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन, और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे काले मिर्च। मैंने सिर्फ इसके अंदर काले मिर्च डाली है। अगर आप चाहते हैं, या आपके बच्चे जो है ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं, तो आप इसके अंदर और मसाले, चिली फ्लेक्स हो गए, और भी मसाले आप ऐड कर सकते हैं। टीस्पून हम डालेंगे नमक, 10 से 15 मिनट को भूनेंगे ताकि चिकन जो है वो गल जाए। 1/2 टीस्पून के जितने हम इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका भी ऐड करेंगे। देखिए चिकन जो है वो अच्छे से भुनी गई है, चिकन गल गया है, हम इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी, इसको मिक्स कर लेते हैं। सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका 1/2 टीस्पून ये साइड से मैंने डाल दी थी। अब फ्लेम जो है वो हम कर देंगे ऑफ, और अब हम इसको करते हैं ठंडा। अब हमने ब्रेड को एक शॉपर के अंदर रखा है, अगर आपके पास प्लास्टिक रैप्स हैं तो आप उसके अंदर रख लें। इसको हम बेलन से बेलेंगे, थोड़ी सी पतली सी और थोड़ी सी लंबी सी हो जाएगी, क्योंकि वैसे ब्रेड का पीस जो है वो थोड़ा सा होता है मोटा। मैं आपको चेक कराती हूँ, ये देखें सारे पीस जो है इनको हम इसी तरह कर लेंगे। ब्रेड के जो पीसेस थे उनको हमने कर लिया था। अब हमने लिया पानी, कॉर्नर्स पे हम पानी लगाएंगे। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बच्चों को लंच बॉक्सेस में बना के दें, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। अब जो चिकन हमने बनाया था वो ठंडा कर लिया, अब हम इसका लगाएंगे वो। अब हमने इसको करना है फोल्ड। ये देखें जी, ये हो गया फोल्ड। कॉर्नर्स इसके बंद कर लेंगे। सारी ब्रेड को हम इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए हमने बना लिया, अब हम पहले इसको करेंगे अंडे में डिप, और फिर करेंगे ब्रेड क्रम्स में। दो से तीन कप हमने एक कढ़ाई में रखा है ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म होकर अब हम इसके अंदर डालेंगे ब्रेड रोल। ये देखिए हमने इसके अंदर डाल दिए, इसी तरह बाकी भी जो है उनको हम करेंगे फ्राई। मीडियम आंच पे हम इनको लाइट गोल्डन सा कर लेंगे। कितना प्यारा सा कलर दोनों साइड से आ गया, अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरह सारे जो है उनको हम कर लेंगे फ्राई। ये देखिए जी, बहुत ही मज़े के हमारे ब्रेड रोल्स हो गए हैं रेडी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिए कितना प्यारा इनका कलर आया।
मैं आपको इनके कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी। ये देखिए जी, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर चीज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।